हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं राजपाल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार और यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हमने बनाया एक, आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि सुई में धागा डालने के लिए। और इस प्रोजेक्ट की सहायता से बहुत ही आसानी से आप सुई के अंदर धागा डाल सकते हैं। मैंने वीडियो के अंदर दिखाया भी है। सो दोस्तों, हमने ये किस तरह से बनाया वीडियो में देख लेना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। सो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो के अंदर देख रहे होंगे मेरे हाथ के अंदर एक बारीक सुई है तुरपाई करने वाली, और इस तुरपाई करने वाली सुई के अंदर धागा डालने का प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से धागा भी है, और ये धागा डालने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ इस प्रकार से मैं धागा डालता हूँ, कुछ लोग डाल नहीं पाते, उन्हें दिखाई नहीं देता, आप देख सकते हो, और काफ़ी मशक्कत के बाद में धागा डाल पाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो पूरी देख लेना, आप धागे को बहुत ही आराम से सुई के अंदर से डाल सकोगे। बस एक बोतल का केप ले लेना होगा हमें। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने एक केप ले रखा है, और उसके बाद में एक वायर का टुकड़े की जरूरत पड़ने वाली, बस ये दो चीज़ें चाहिए होगी हमें। और उसके बाद में इस केप के अंदर ना यहाँ पे एक कट लगाना होगा, या फिर होल कर लेना आप। कुछ इस प्रकार से मैंने कट लगा दिया है इसके अंदर, केप के अंदर कुछ इस प्रकार से कटर की सहायता से कट हो गया। और उसके बाद में जो वायर है ना, इस वायर को छीलना होगा हमें, और इसके अंदर से बस एक बहुत पतला वायर लेना होगा, कॉपर का वायर है जो, बहुत पतली सी एक तार निकाल लेंगे, वायर निकाल लेंगे इसके अंदर से। कुछ इस प्रकार से मैं निकाल रहा हूँ जैसे। बस दोस्तों, वीडियो में बने रहना, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि मैं इस ऐसी तरह की वीडियो लेके आता ना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप देख सकते हो मैंने एक वायर को कट कर लिया है, वायर का एक टुकड़ा बस चाहिए होगा हमें। अब इस टुकड़े को कुछ इस तरह से मोड़ लेना होगा, यू शेप में बना लेना जैसा कि मैं बना रहा हूँ। आप देख सकते हो इस टुकड़े को यू शेप में बना लिया मैंने। अब इस केप के अंदर लगाना होगा, यहाँ पे जो कट लगाया था ना, उस कट के अंदर डाल दिया मैंने कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हो। बस अब इसको अच्छे से ग्लू की सहायता से चिपका लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो किसी प्रकार से भी इसको रोक लेना आप। तो कुछ इस प्रकार से टुकड़ा हमारा अच्छे से रुक जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इस केप को पीछे की साइड से मैंने पूरा ग्लू की सहायता से भर दिया। अब हमारा जो वायर है, वो वायर अच्छे से फिक्स हो गया है, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों, ट्राई करके देखते हैं सुई के अंदर से धागा डाल पाएंगे या नहीं। तो कुछ इस प्रकार से मैंने सुई के अंदर से डाल लिया उस वायर को, और धागे को भी डाल लिया कुछ इस तरह से। अब इस सुई को हम खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से, तो धागा बहुत आसानी से डल गया दोस्तों। इस प्रकार का प्रोजेक्ट आप बना लेना, बहुत ही सिंपल है दोस्तों इसको बनाना। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक जरूर कर दो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बस अब वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार। सो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। सो दोस्तों, मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।